स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम लोग है ना मुंबई में है। अब मुंबई में कहाँ पर है वो हमारे चिंतामणि भाई बताएंगे। भाई बताओ ना। मुंबई में घाटकोपर आर सिटी मॉल में है किड्जेनिया करके, बहुत बहुत हैपनिंग प्लेस है। बच्चे देख सकते हो कितने खुश है, यहाँ के खुद बच्चों जैसा लग रहा है। और बाइकर्स के लिए, बाइकिंग के शौकीन बच्चों के लिए एक बेहतरीन चीज है। टीवीएस ने पार्टनरशिप किया है किड्जेनिया के साथ और यहाँ पे टीवीएस का स्टोर लगाया। स्टोर किस चीज का लगाया आपको मैं पूरा कम्प्लीटली दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो स्टोर लगा है उसमें आप बच्चों को लेके आ सकते हो, बच्चे गाड़ी को देख सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो राइडिंग गियर्स है उनको देख सकते हैं, कैसे गाड़ी चलती है वो सब हर चीज यहाँ पे सीख सकते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं पता है, बच्चों को दूर रखना चाहिए, ये सब रखना चाहिए, बट यहाँ पे भाई आप एक बार आओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई बच्चे कितनी चीजें सीखते हैं यहाँ पे बाइकिंग को लेके। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो है ना स्टोर, ये रेसिंग एक्सपीरियंस सेंटर है। एक किड्जेनिया एक एजुटेनमेंट कंपनी है जिन्होंने ये करीबन 23 साल पहले मेक्सिको से कॉन्सेप्ट चालू किया कि एक बच्चे को कैसे एंगेज किया जाए ताकि उस एंगेजमेंट में वो कुछ सीखे, खुद के डिसीजन ले पाए और एक इमर्सिव फीलिंग उसको किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो कुकीज बना रहा है, चाहे वो पिज़्ज़ा बना रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल देख रहा है, चाहे वो फाइव, तो वो इमर्सिव एक्सपीरियंस का इनका एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर क्रिएट किया है यहाँ पर, जिसमें कि एकदम एक रेसिंग के चार पांच एलिमेंट होते हैं। एक कि गाड़ी जो है आपकी कैसे, कितनी रेडी है, आप डिज़ाइन कैसे करते हो, आप चलाते कैसे हो, आपके गियर क्या है। सो आप आते ही इस एक्सपीरियंस सेंटर में आपका पूरा राइडिंग गियर है, तो बच्चे को पता चलता है कि गाड़ी चलाने से पहले मेरे को राइडिंग गियर पहनना ही चाहिए। दूसरा, बिल्ड योर ओन बाइक। आप अपने मोटरसाइकिल को तो जानते हो कि दो पहिए हैं, एक टैंक है, पर वो फ्यूल टैंक के नीचे क्या होता है, वायरिंग क्या होती है, इंजन कहाँ पर बैठता है गाड़ी में, चैसिस क्या होती है, तो वो खुद असेंबल कर पा रहा है गाड़ी को, तो उसके गाड़ी के बारे में बहुत से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। तीसरा, उसको एक डिज़ाइनिंग का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि वो अपनी गाड़ी को डिज़ाइन कर सकता है, अलग अलग ग्राफिक्स, अलग अलग कलर दे सकता है। उसके बाद वो गाड़ी को प्रॉपरली चला सकता है, सिमुलेट कर सकता है रेस ट्रैक के लिए। तो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है एक बच्चे के लिए और ये उसके दिमाग में, जहन में कहीं ना कहीं रहेगा कि मेरी पहली मोटरसाइकिल जो चलाई थी वो टीवीएस थी। तो कैच देम यंग एट किड्जेनिया, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट है। पूरा यकीन है कि आपको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। नॉर्मल है, जैसे आप किड्जेनिया में आते टिकट लेके आएंगे, ये एक और सेंटर है, बाकी भी सेंटर जितने आप हर सेंटर में जा सकते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द किड्जेनिया टिकट, तो जो भी आपको टिकट एंट्री की है उसमें आप ये भी कवर कर सकते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है कि आपको रेसिंग के लिए आगे एक्स्ट्रा कॉस्ट देना है। कि कुछ भी करने के लिए पहले आपको लर्न करना है, सेफ्टी के बारे में बात करनी है, लोगों जो रास्ते पे सेफ राइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके दिमाग में जाता है कि भाई आप विदाउट लाइसेंस आप ट्रैक पर नहीं जा सकते, आप घर के बाहर गाड़ी नहीं चला सकते। तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि आप लाइसेंस लो अब जाके आप ट्रैक पर चला सकते हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ट्रैक पर नहीं चला सकते। So that is the whole thought process from the day one, understand. So देखो ये स्टोर है, कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, एंड यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जहाँ पे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी, तो ये हर एक बच्चे का होता है यहाँ पे। एंड ये सेक्शन में आओगे ना तो यहाँ पे देखो भाई कैप है, उसके बाद में हेलमेट है बच्चों का, ये यहाँ पे टीवीएस का जैकेट है बच्चों का पूरा है, यहाँ पे बैग है और एक्सेसरीज, और ये देखो ये रोनिन का टी शर्ट, हाँ बच्चों के लिए भी आ गया अभी। और भाई जो बच्चे हैं उनके लिए हेलमेट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे बच्चों का हेलमेट भी है, ये आप देख सकते हैं। इफ़ यू कम दिस साइड, आ जाओ, आपको मैं जो बाइक बता रहा था ना कि कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, बच्चे अपनी जो बाइक है ना खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इनकी 310 है वो बाइक एकदम से, मतलब सिर्फ इंजन, टायर, सस्पेंशन वगैरह, बाकी ऊपर बॉडी किट वगैरह कुछ नहीं लगाया। यहाँ पे इसकी फेयरिंग है, ये इसका टैंक हो गया, बच्चे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं बाइक को। बाकी जो टीवीएस का जो ऑयल वगैरह है, लिक्विड्स वगैरह है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हर चीज़ जो एक गैरेज में होती है ना वो आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे देखो पेंट शॉप, आप अपनी जो बाइक है ना उसको खुद पेंट कर सकते हो, कौन सा आपको पेंट चाहिए। देखो बच्चे लोग पेंट कर रहे हैं, कौन सा कलर, मैरून। देखो बच्चे खुद कलर कर रहे हैं यहाँ पे, और इधर आ जाओ और आपको दिखाएंगे। ये साइड में क्या चल रहा है भाई, इट्स अ पेंट शॉप, विच कलर इट इज़, blue and black. Okay, you can choose any color you want, right? Yeah. Thank you. Good job. यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये सिमुलेटर है, यहाँ पे एक्चुअल आपको रेसिंग का जो फील होता है ना वो यहाँ पे देखने को मिलता है।
यहाँ पे देख सकते हैं, कीप इट अप। सो ये एक्चुअल आपको एक फील देता है कि भाई रेसिंग में जब एक्चुअल रेसिंग करते हो वो टाइम पे बाइक का जो फील है वो कैसा होता है, तो दिस इज़ वेरी गुड। एंड ऑल्सो आप एक चीज़ देखो, देखो हेलमेट वगैरह, जैकेट वगैरह हर चीज़ बच्चे ने पहनी है। सो यहीं से बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तभी से सीखते हैं कि भाई बाइकिंग करने के टाइम पे क्या क्या करना है और क्या क्या राइडिंग गियर्स हमें पहनना है। बाकी बैठने के लिए आपके पास यहाँ पे जगह है, बच्चों के साथ बैठ सकते हो। और ये तो आपको बाइक पता है अपनी 310 बिल्ट टू ऑर्डर, ग्राफिक्स वगैरह है, सस्पेंशन वगैरह है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। सो ये आपने पहले ही शोरूम में देख ली होगी। द मोमेंट यू एंटर इनसाइड द शोरूम आपको एक फील आए, फील तो वैसे भी आएगा बिकॉज वहाँ सामने से आप देखोगे ना तो आपको बाइकिंग वाला फील वहीं बाहर से आ जाएगा। अब आपको मैं एक जगह और दिखाता हूँ जहाँ पे रेस ट्रैक भी है और पिट स्टॉप भी है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो सीखना, बिकॉज स्टार्टिंग से ही बच्चे जब देखना स्टार्ट करते हैं तो उनको समझ में आता है कि बाइकिंग करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। एंड अगर आपको एनरोल करना है तो भाई अभी जो किड्जानिया है दो ही जगह पे है, एक मुंबई में है और दूसरा दिल्ली नोएडा में। ये जगह बहुत बड़ी है, आप अगर अंदर आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई दूसरी दुनिया में आ गए हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे जहाँ पे जो पिट स्टॉप होता है ना, जहाँ पे रेसिंग वगैरह चलती है बाइक की, तो पिट स्टॉप के अंदर क्या क्या होता है, बच्चे कैसा चीजें सीख सकते हैं वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। दिस इज वेयर वी हैव पिट स्टॉप, गैस वगैरह मतलब फ्यूल वगैरह। यहाँ पे बाइक चल रही है देखो फुल सेफ्टी के साथ और बच्चा नेक्स्ट लेवल चला रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेस ट्रैक है और रेस ट्रैक पे ऑलरेडी एक बाइक चल रही है। दिस इज हाउ किड्स लर्न, तो यहीं से जो एक्सपीरियंस है ट्रैक का वो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मैं पिट स्टॉप के अंदर का जो माहौल है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चेकिंग वगैरह चल रही है गाड़ी की, ये आप देख सकते हैं, प्लीज कम। एंड ये एक्चुअली एक पिट स्टॉप का फील आपको देता है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं जो रोड की लाइनिंग वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब पूरा एक ट्रैक का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये था किड्जानिया में TVS का एक्सपीरियंस सेंटर, जहाँ पे आप बच्चों को लेके आ सकते हैं। जो एनरोलमेंट है वो ज़्यादा मतलब कुछ उसमें ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आप सीधा आओ, किड्जानिया का जो टिकट लो, आप जितनी भी जगह यहाँ पे है TVS का है, दूसरा कोई चीज़ें वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको ये जो इनिशिएटिव लिया गया है TVS की तरफ से वो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।